हर बात को मैं 10 बार सोचता हूँ, दिन के उजाले में रात खोजता हूँ। ना कहने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे, कभी खुद पे घमंड, कभी खुद को कोसता हूँ। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। तुम सभी साफ सही मटमैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया मैं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे दूसरों की नजरों में अच्छा बनना ही लक्ष्य लगता है। खुद को दिए दिलासे के अलावा सब कुछ सच लगता है। क्या करना है क्या नहीं, अब तो इसका जवाब खामोशी होता है। एक क्रश को निकालने के लिए भी दूसरा क्रश लगता है। झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो। मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। साथ तुम्हारे और रहूं मैं, मेरा तो मन था। सच है यहाँ पे जो भी बुरा था मेरे कारण था। मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। एक दिया जलाना है उम्मीदों का, फिर से बच्चा बनना है। किसी का बुरा नहीं करना, बस मुझे अच्छा बनना है। क्या जीतूंगा दुनिया से, अपने मन से जो हारा हूँ। अब तू ही संभाल गाना, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। ये जो आज हमारा समाज डिप्रेशन में पहुंच रहा है, ये जो आप अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में पहुंच रहा है, हमारे विचार करने से केवल क्या हो जाएगा? हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उसे हो जाएगा क्या? राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। बच्चा, धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता, सुख बाहर नहीं होता, सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना, तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना, तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता हो सबको जानता है। इतना बात समझ लो, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है तो सब कुछ पता होता है। आप जो मेहनत करते हैं आप कीजिए, उस समय प्रभु को भूले भूल जाइए। हमारी बात को समझना, आप 18 घंटे काम करते हैं ईमानदारी से, पूरे 18 घंटे काम कीजिए, लेकिन 18 घंटे में 18 बार राधा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप हर घंटे में एक बार राधा बोल दीजिए, और 18 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट हाथ जोड़ा और हे प्रभु 18 घंटे जो हमने काम किया ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा।